आप यीशु को हर जगह पे जाते हुए देखोगे। वो हर जगह जाता था, पर आपको पता है वो एक ही जगह थी जो कभी वो नहीं जाता था, और वो था जब कोई मर जाता था उनके अंतिम संस्कारों में। आप कभी नहीं देखोगे जीसस को कि कोई मर गया था और वहां पर जाके खड़ा हो जाए। उठाओ उसको, जल्दी करो, कभी भी नहीं। जीतर गया उधर लोगों का अंतिम संस्कार बिगाड़ के आया। लाजर के पास गया, बिगाड़ के आया। याइर के घर पे गया, उसकी बेटी का बिगाड़ के आया। एक जगह पे नाइन नगर में एक औरत का बच्चा मर गया था, उधर भी खड़ा हो गया। रुको, कहां जा रहे हो? नीचे उतारो उसको, अर्थी को छुआ। जीतर गया लोगों का अंतिम संस्कार बिगाड़ के आया, और सबसे अमेजिंग बात, लास्ट में खुद का भी बिगाड़ दिया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तू अंतिम संस्कारों को बिगाड़ता क्यों था? मैंने मौत बनाई नहीं है, इसीलिए जब लोग मर जाते थे और उसको खबर मिलती थी, वो नहीं कहता था ये मर गए हैं, वो कहता था ये सोए हैं। वो मौत वर्ड भी एक दिन जब हम उठा लिए जाएंगे, पौलुस कहता है तब ये वचन पूरा होगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, जय ने मृत्यु को निगल लिया। परमेश्वर ने मौत नहीं बनाई थी, बाइबल बताती है पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने मौत नहीं बनाई थी, मौत पाप की मजदूरी है। लोग कहते थे ये तो मर गई है, सोई है वो। मौत शब्द मेरे सामने यूज मत किया करो। आपको पता है खुदा मौत के खिलाफ है, आप पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य में, बाइबल बताती है अंत में परमेश्वर ने मृत्यु जो शत्रु है उसका, उसको आग की झील में डाल दिया। रीड इट। परमेश्वर ने मौत को भी उठाया और लिखा है हेल में डाल दिया। जब परमेश्वर का राज्य पता है क्या, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपने लिए बनाया कि वो उसके अंदर रहेगा, लेकिन जब आदम ने पाप किया वो अलग हो गए। अब यीशु कहता है पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज का प्रचारक कहता है पश्चाताप करो ताकि तुम स्वर्ग जा सको। बाइबल नहीं कहती है कि यीशु ऐसा कहता था, बाइबल बताती है यीशु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि खुदा की बादशाहत करीब है। आप जानते हो यीशु क्या कह रहा था? वह परमेश्वर जिसने तुम्हें बनाया ही अपने लिए है, राज्य करने के लिए है, तुम पाप करने के कारण उससे दूर हो, अब आओ पश्चाताप करो ताकि वो फिर से तुम्हारे अंदर राज्य करे। इसे कहते हैं द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आप में राज्य करना चाहता है। आप जानते हैं 3.5 साल प्रचार करने के बाद, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाइबल बताती है एक रात आई जब वो गिरफ्तार हुआ, उसे मार मार के लेके गए। ओ वो उसे मार मार के लेके गए, उन्होंने उसको कोड़े मारे, कीले मारे, थूका, उन्होंने उसके गाल पे जोर जोर से स्लैप्स मार के कहा बता तुझे कौन मार रहा है। सब कुछ सहता रहा। बताया क्यों सहता रहा? क्योंकि उसके दिमाग में उस समय आप चल रहे थे। और जब सुबह हुई, बाइबल बताती है उसकी दीनता के कारण उसको कोई जज नहीं कर पाया। और अगले दिन पिलातुस ने कहा, कई लोग कहते हैं ना ब्रदर बहुत कोर्ट टू कोर्ट थक गया हूं कोर्ट कचहरियों में। आप जानते हैं आपके प्रभु को भी ये अनुभव है, वो कोर्ट टू कोर्ट घूमा था, कभी पिलातुस के पास, कभी हेरोदेस के पास, पूरी रात कोर्ट टू कोर्ट घूम रहा था। अगले दिन एक डेथ सेंटेंस दिया गया उसको, मार दो। बाइबल बताती है उसे इतना मारा गया कि वो अपना ही क्रूस उठा नहीं पा रहा था, इसलिए बाइबल बताती है उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा बेगार में,
कहिए बेगार। यू नो द मीनिंग ऑफ बेगार। जो ठेकेदार जिन लोगों को आपके घर में काम करवाने के लिए लेके आता है उन्हें बेगारी कहा जाता है। बेगार इट मींस कुछ लोगों को लेके आया कि मजदूरी करें, क्योंकि वो अपना क्रूस नहीं उठा पा रहा था। और जैसे ही उसे पकड़ा गया, उसे ऊपर ले जाया गया, और जैसे वो वहां पर गया, उन्होंने उसे लकड़ी पे चढ़ाया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक को उन्होंने वहां पर बलिदान किया, उसे वहां पर वो हमारा फिदिया ठहरा। और जैसे यीशु मसीह वहां पर थे, बाइबल बताती है उन्होंने वहां पर प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आपको पता है तीसरे दिन जब उसे वहां से उतार दिया गया, और तीसरे दिन बाइबल बताती है उन्होंने उसे एक नई कब्र में रखा। अब कुछ बहनों को लग रहा था बॉडी में स्मेल आना स्टार्ट हो गई होगी, वो अपने हाथों से सुगंधित वस्तुएं, परफ्यूम्स और बहुत सारी सेंट्स लेके जब वो वहां पर जा रही थी, तब वो आपस से बात कर रही थी, कौन हमारे लिए पत्थर को लुढ़काएगा। आप हैं ऐसे, उन्हें पता भी नहीं है कि वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, फिर भी वो तैयार थी। आप ऐसे हैं, आपको पता भी नहीं है वो कब आने वाला है, क्या फिर भी आप तैयार रहते हैं। उन बहनों को पता तक नहीं था कि हम उससे मिल पाएंगी कि भी नहीं, वो आपस में बात कर रही थी हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, उन्हें पता भी नहीं है, फिर भी वो तैयार थी। और जैसे वो वहां पर गई, पत्थर ऑलरेडी लुढ़का हुआ पड़ा था, और जैसे वो अंदर जाती है स्वर्गदूत कहता है, तुम एक मरे जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो, जाओ सबको बता दो वो जिंदा हो चुका है, वो जी उठा है। अब सुनिए, इसी भाग को बताने के लिए पूरी मीटिंग समझानी पड़ी मुझे। आप जानते हैं जब जीसस क्रॉस पे था, उसका लास्ट शब्द क्या था? मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जैसे उसने अपने प्राण त्याग दिए, लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक, नॉट नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, कहिए ऊपर से, कहिए नीचे से नहीं, कहिए ऊपर से। अब ये पर्दा ऊपर से क्यों फटा, नीचे से क्यों नहीं, डोंट वरी फाड़ूंगा नहीं, ये पर्दा है ना, ऊपर से फटा, देखा जाए तो मैं ऐसे नीचे से फाड़ सकता हूं, लेकिन वो ऊपर से क्यों फटा, ये दिखाने के लिए ये मनुष्य का नहीं, ये खुदा का काम है। आप जानते हैं जैसे वो पर्दा फटा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये वही पर्दा था जो मनुष्य के पाप में गिरने के बाद मनुष्य और खुदा के बीच में आया था। यीशु ने वो पर्दा फाड़ दिया ये दिखाने के लिए, अब तुम में से हर कोई वापस खुदा के पास लौट सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लिसन मुरादाबाद, सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु के पास आओ तुम्हें चंगाई मिलेगी, सुसमाचार ये नहीं है कि यीशु के पास आओ तुम्हें घर मिलेगा, सुसमाचार ये भी नहीं है कि यीशु के पास आओ तुम्हें बाहर जाने के लिए वीजा मिलेगा, सुसमाचार ये भी नहीं है कि तुम आओ और खुदा तुम्हारे बच्चों की शादी बेहतर जगहों पर करेगा। हां, परमेश्वर ये सब कुछ करता है, हम इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन ये सब सुसमाचार नहीं है। याद रखना, सुसमाचार ये है कि हम पापी हैं और हम इसलिए खुदा से दूर हैं, लेकिन बाइबल बताती है यीशु हमारे लिए आया, उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए और बलिदान हुआ ताकि पिता के साथ हमारा मेल हो सके। अगर आप
अगर आपको लगता है कि सुसमाचार सिर्फ चंगाइयां हैं, ये है वो है, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, घर जाइए, रोमियो की किताब को पढ़िए। पॉल कहता है दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चीजों का नहीं। ये आजकल जो बोलते हैं ना, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के तरीके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि सिर्फ आपको चीजें दे, वो इसीलिए आया ताकि आपको बाप से मिलाए। दैट इज अ गॉस्पल। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो क्यों आपको पिता से मिलवाना चाहता है, आपको पता है? यहां देखो, मैं आपको बताता हूं, आपको पता है आप कहां से निकले हो? डू यू नो आप कहां से आए हो? विश्वास करो जो मैं कह रहा हूं, जब परमेश्वर ने मछलियां बनानी थी, आपको पता है उसने क्या किया? उसे पानी से बात की, हे पानी तुझ में से जीव जंतु उठे। खुदा को जब मछलियां बनानी थी, उसने पानी से बात की। परमेश्वर को जब पेड़ बनाने थे, पता है उसने क्या किया? उसे पेड़ नहीं बनाए, उसे जमीन से बात की, हे जमीन तुझ में से सब पेड़ पौधे उगे। जब परमेश्वर को मछलियां बनानी थी, उसे पानी से बात की। जब परमेश्वर को पेड़ बनाने थे, उसे जमीन से बात की। लेकिन जब परमेश्वर को मनुष्य बनाना था, उसने खुद से बात की। आओ हम मनुष्य बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। आप पेड़ को जमीन से उखाड़ो, वो खत्म हो जाएगा। आप पानी में से मछली को निकालो, वो खत्म हो जाएगी। आप उसमें से निकले हो, अगर आप उससे अलग हुए, आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो आपको बाप से मिलवाने आया। वो जानता था मनुष्य का परमेश्वर के सिवा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो कहता था तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं। अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो तुम फल लाओगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं? टेल मी, कितने लोग हैं यहां पर जो जानते हैं आप कहां से निकले हो? अरे किससे जुड़ रहे हो सारा दिन? इससे? क्या अपने बाप से जुड़े हो? वो तुम्हारी जड़ है, तुम वहां से निकले हो। क्यों उसने मंदिर का पर्दा फाड़ा? क्योंकि वो जानता था हम उसके बगैर कुछ नहीं है। आप याद रखिएगा, आप खुदा के बगैर पैसे कमा सकते हो, आप खुदा के बगैर अमीर हो सकते हो, आप खुदा के बगैर अपना नाम कर सकते हो, लेकिन याद रखना आप खुदा की मदद के बगैर खुदा की तरह कभी नहीं बन सकते। इसलिए उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। करो ये सब, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, कितना मिलावट करेंगे। और सच्चा सुसमाचार प्रचार करो। यीशु आपको धनी बनाने नहीं आया। हां वो धन देता है भाई, यीशु आपको महान करने नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रसिद्ध करता है। उसने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम आई विल मेक योर नेम फेमस, मैं तेरा नाम प्रसिद्ध करूंगा। वो प्रसिद्ध करता है, वो चंगाइयां देता है, वो छुटकारे देता है, वो बरकत देता है। मैं सब बातों में सहमत हूं, लेकिन वो सिर्फ यही देने के लिए नहीं आया था। पता है वो क्यों आया था? आपको बाप से मिलवाने। इसीलिए पॉल कहता है उसी ने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया और वह सेवा हमें दे दी। आज मैं बंद करने से पहले आई
आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू अ लास्ट क्वेश्चन. एक आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ के मैं समाप्त कर, मेरा टाइम हो चुका है. क्या आप प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं? क्या आप खुदा की हुजूरी में जिंदगी जीते? परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का अर्थ यह नहीं है कि आपको हमेशा कुछ फील होता रहे, बाल खड़े हो रहे हैं, मैं गिर गया, उठ गया. नो 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 सर, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का अर्थ होता है प्रभु को उपस्थित जान के जिंदगी जीना, कि खुदा मेरे साथ है, मैं उसे दुखी नहीं करूंगा. आप मछली पानी में से निकली, खत्म, बैठ जाइए. पेड़ जमीन से निकला, खत्म. आप उससे अलग हो गए, खत्म. खत्म होने का अर्थ समझते हैं? याद रखिए, जब खुदा आएगा ना, पूरी दुनिया जान जाएगी. चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा. और शिमशोन न जानता था यहोवा उससे चला गया है. जब प्रभु की, प्रभु का अभिषेक आता है ना, आप भी जान जाएंगे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगी. सात समुंदर लांग के लोग आपको सुनने आएंगे, क्योंकि हर एक को पता चल गया है कि तुम्हारे ऊपर अभिषेक है. लेकिन अगर वो चला गया, आप जानते हैं शाऊल सिर्फ 2 साल उसकी शुरुआत की मिनिस्ट्री में खुदा उसके साथ था, 38 साल उसने प्रभु के बगैर राज्य किया है. आज एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं, क्या आप प्रभु की उपस्थिति में जी रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं ये सोच के करते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या खुदा रहेगा?